ज्ञान ऑफिशियल चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट होगा एग्रीकल्चर बहाली से संबंधित उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट 4 लेकर के आए हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन का रिविजन आप लोगों के बीच हम कराने वाले हैं। तो हमारे साथ मात्र 15 मिनट बने रहिए, 15 मिनट में हम 80 क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करके देंगे। और देखिए दोस्तों पढ़ने से ज्यादा सुनने से याद होता है, इसलिए आप कोशिश करिए आप लोग कि जो भी हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, उसको आप केवल देखिए। और नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो सुनने से दोस्तों काफी याद होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना है कि हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से संबंधित जो भी नया अपडेट आएगा, क्यूज भी वहां हम देते रहते हैं, तो वहां पे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, सहकारी विपणन कोऑपरेटिव मार्केटिंग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1937 में दोस्तों हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दोस्तों 2000 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थापना 2013 में किया गया था। और NFSM कब स्थापना हुआ था? तो 2007 में NFSM की स्थापना हुआ था, और NFSM अधिनियम जो है 2013 में आया था। तो ये दोनों में अंतर है, स्थापना और अधिनियम में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है, परीक्षा में पूछता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी कृषि जिसमें किसान अपनी आय का कम से कम 50% या उससे अधिक एक ही उद्यम या फसल से प्राप्त करता है, तो ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कृषि को दोस्तों विशिष्ट खेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, कब शुरू किया गया था भारत में सहकारी आंदोलन का? तो 1904 ईस्वी में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिड डे मील आप लोग जानते होंगे, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत दोस्तों 1995 ईस्वी में ही कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एट्राजीन का व्यापारिक नाम क्या है? तो एट्राजीन का व्यापारिक नाम एट्राटेक्स नाम है, एट्राटेक्स के नाम से आता है एट्राजीन। अगला क्वेश्चन है, पिट्रो डी करेंसी कौन से तत्व ऐसे हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है पौधे जिसे केटायन और एनायन फार्म में लेते हैं। एनायन फार्म में नाइट्रेट के रूप में लेता है, और अमोनिया के रूप में, अमोनिकल फार्म में NH4 के रूप में पौधा ग्रहण करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा तत्व है जो पौधों में हार्मोन का काम करता है? तो कौन सा तत्व है जो कि पौधों में हार्मोन का काम करता है? तो जस्ता जो है पौधों में हार्मोन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस तत्व को पौधों का ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है? तो फास्फोरस को दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है, फास्फोरस को ही इनर्जी क्वाइन कहा जाता है दोस्तों, इनर्जी क्वाइन, इसको नोट कर लीजिएगा, इनर्जी क्वाइन के नाम से इसे जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। भूवैज्ञानिक क्षरण की किस नाम से जाना जाता है? तो भूवैज्ञानिक क्षरण प्राकृतिक क्षरण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा उर्वरता सबसे ज्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो दोस्तों मृदा उर्वरता जो है किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो फसल जारी रखने से मृदा की उर्वरता जो है प्रभावित होती है। लगातार जब फसल हम लेते हैं अपने खेत से, अपने फार्म से, तो उस फार्म का जो है उर्वरता जो है प्रभावित होता है, इसीलिए गैप किया जाता है, परती छोड़ा जाता है ऑक्सीजन के लिए, ताकि हमारी फसल मृदा में
उर्वरता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से द्वितीयक पोषक तत्व है? तो द्वितीयक पोषक तत्व जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, तो दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व है। प्रथम में आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये छह पोषक तत्व है जो कि मुख्य पोषक तत्व आते हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व में आता है, बाकी जितने पोषक तत्व होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम जो है मॉलिब्डेनम करता है। दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको जो है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के द्वारा पौधों का जीवन निर्वाह पूरा होता है? तो फास्फोरस के द्वारा पौधों का जीवन निर्वाह पूरा होता है। के एलिमेंट ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है, फास्फोरस को के एलिमेंट ऑफ लाइफ बोला जाता है। पौधे जो है जीवन चक्र इसी के अवेलेबिलिटी में पूरा करते हैं, इसकी कमी होने पे तरह तरह की बीमारी पौधे में लग जाते हैं और पौधा जो है अपना लाइफ साइकिल सही से पूरा नहीं कर पाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मृदा की इकाई को क्या कहते हैं? तो मृदा की इकाई को पेडॉन कहा जाता है। और क्लाउड जो है, क्लाउड कृत्रिम मृदा की इकाई को अगर पूछेगा, कृत्रिम मृदा इकाई तो क्लाउड उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम मृदा के इकाई को क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, घनत्व को किससे मापते हैं? तो घनत्व से दोस्तों पिकनोमीटर से घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कण में कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्राथमिक कण? तो प्राथमिक कण जो होता है दोस्तों, सैंड, सिल्ट और क्ले को प्राथमिक कण कहा जाता है। सामान्य मृदा का अगला क्वेश्चन है, सामान्य मृदा का बल्क डेंसिटी कितना होता है? बल्क डेंसिटी को अंग्रेजी में स्थूल घनत्व दोस्तों कहा जाता है। इसका जो है 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। अब भारी घनत्व का अगर पूछेगा, सामान्य मृदा का 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। अगर यही क्वेश्चन घुमा दे, अगर कहे आपसे कि भारी मृदा का खनिज का घनत्व कितना होता है, तो 2.85 से कम होता है, लेस देन 2.85, इसको नोट कर लीजिएगा, भारी खनिजों का, खनिज का घनत्व। सामान्य मृदा का पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? सामान्य मृदा का पार्टिकल डेंसिटी दोस्तों 2.65 ग्राम पर सीसी दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा रंग सॉइल कलर को कितने समूहों में बांटा गया है? तो मृदा कलर को तीन वर्गों में दोस्तों बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, मृदा में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो पौधों के लिए जो आवश्यक तत्वों की संख्या है वो 17 होती है दोस्तों मृदा में। ई मोबाइल, अगला क्वेश्चन, ई मोबाइल पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ई मोबाइल पोषक तत्व कैल्शियम और बोरान होते हैं। ई मोबाइल का मतलब होता है दोस्तों, जहां हम उर्वरक देते हैं वहीं पे पड़ा रहता है, पौधा जो है अपने रूट के माध्यम से वहां से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जहां रहेगा वहीं पर रहता है। ये मोबाइल करके, मोबिलिटी होकर के रूट जोन तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि यूरिया हमारा मोबिलिटी करके जो है रूट जोन में पहुंच जाता है, वैसे जो है कैल्शियम बोरान नहीं है, ये मोबाइल नेचर का है, जहां इसको डालिएगा वहीं पर पड़ा रहता है। और फास्फोरस भी हो जो उर्वरक है वो भी ई मोबाइल नेचर का है, जहां उसको डालिएगा वही पे पड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि फास्फोरस जो है बेसल में आप दीजिए अपने फसलों को, ऊपर से कोई डालने के लिए सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जहां डालिएगा वहीं पे पड़ा रहता है, पौधा जो है ग्रहण उसको नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मृदा नमी जो 1/3 बार दाब पर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो फील्ड कैपेसिटी दोस्तों कहते हैं, और 1/3 बार से कम पे हो तो उसको ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं दोस्तों, उसको ग्रेविटेशनल वाटर भी कहा जाता है। और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है दोस्तों, मोर देन 31 बार पे होता है, मोर देन 31 बार पे दोस्तों होता है जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। और विल्टिंग पॉइंट कितना पे होता है? विल्टिंग पॉइंट दोस्तों
मोर देन 15 बार पे होता है। अगर मोर देन अगर 15 बार है तो वहां पे विल्टिंग पॉइंट आ जाता है, पौधे जो है मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मृदा विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कीट विज्ञान के जनक कौन है? कीट विज्ञान के जनक दोस्तों विलियम किरवई हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट विज्ञान किस शब्द से लिया गया है? तो कीट विज्ञान दोस्तों ग्रीक शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोहानसन आर्गन कौन से गण में अनुपस्थित होते हैं? जोहानसन आर्गन जो है ये कोलेन बोला और डिप्लूरा में, ये दोनों में जो है अनुपस्थित होते हैं। कीटों में कितने प्रकार के मुख पाए जाते हैं? कीटों में दोस्तों 8 प्रकार के मुख पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋतु क्षरण के प्रतिरोध चट्टान है? तो क्वार्टर जो है ऋतु क्षरण के प्रतिरोध चट्टान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक खनिज है? तो सैंड दोस्तों प्राथमिक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा अम्लीय चट्टान है? तो ग्रेनाइट दोस्तों अम्लीय चट्टान में आता है। अगला क्वेश्चन में कौन सा क्षारीय चट्टान है? तो सैंड स्टोन को जो है क्षारीय चट्टान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा निष्क्रिय कारक है? तो निष्क्रिय कारक मूल द्रव्य को निष्क्रिय कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आद्र गलन बीमारी किसके द्वारा होता है? तो पीथियम स्पेसीज जो है होता है, पीथियम स्पेसीज फंगस के ये जीनस है, उसके द्वारा होता है आद्र गलन बीमारी। ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस को टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोलिसिस को टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। अमरूद के फल का प्रकार क्या है? बेरी टाइप का प्रकार होता है। घर में अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं उनका तापमान कितना होता है? उनका तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस होता है। क्ले कण का आकार कितना होता है? तो लेस देन 0.002 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, USDA के अनुसार सिल्ट का आकार कितना होता है? 0.05 से 0.002 होता है। अगला क्वेश्चन है, जैस्मीन फूल का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कटिंग द्वारा किया जाता है दोस्तों जैस्मीन फूल का। गुलाब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है गुणसूत्रों की संख्या गुलाब में। रसगुल्ला का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को मिला है रसगुल्ला का जीआई टैग। सिरसी सुपारी का जीआई टैग किसको मिला है? तो कर्नाटक को मिला है सिरसी सुपारी का जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है, भैम क्या है? भैम एक प्रकार का क्या है? माइकोराइजा है। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर में परागण किसके द्वारा होता है? तो हाउस फ्लाई के द्वारा चुकंदर में परागण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर में है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था 8 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मसाले का शहर किसे कहा जाता है? तो कालीकट को मसाले का शहर कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गरीब आदमी का फल किसे कहते हैं? गरीब आदमी का फल बेर को कहते हैं। अरहर की पहली संकर किस्म है? ICPH8 जो है अरहर की पहली संकर किस्म है। कॉफी में परिवर्तन किस विधि द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेगिंग किससे संबंधित है? तो पेगिंग दोस्तों मूंगफली से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषाणु का कैप्सिड किसका बना होता है? तो प्रोटीन का होता है दोस्तों। विषाणु का कैप्सिड जो है प्रोटीन का बना होता है, जो ऊपरी खोल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीशम में फिलारी बीमारी किसके द्वारा होता है? तो फिलारी बीमारी जो है लीफ हॉपर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
बीज का गर्म जल उपचार किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो लूजेसमट के लिए किया जाता है बीज का गर्म उपचार। अगला क्वेश्चन है एमएलओ माइको प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार सबसे पहले दोस्तों डोई ने किया था। अगला क्वेश्चन है पादप रोग नामक किताब को किसने लिखा था? पादप रोग नामक किताब को आर एस सिंह ने लिखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अफेडा की स्थापना कब हुई थी? अफेडा की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिटिकल किसका क्रास है? तो ट्रिटिकल गेहूं और राई का क्रास है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्रोमोजोम का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए होता है। क्रोमोजोम का अनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसको डीएनए कहा जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने प्रतिपादित किया था? एन आई बेबीलोन ने प्रतिपादित किया था सेंटर ऑफ ओरिजिन। केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में दोस्तों स्थित है। भर्मसिल ध्रुमण कीटनाशी है, ध्रुमण कीटनाशी कौन है इसमें से सभी है, मेथिल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रिन है, इथाइल डाइक्लोराइड है, सभी है। गुलदाउदी में गुणसूत्री की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है जो गुलदाउदी में दोस्तों, क्राइजेंथिमम इसको कहा जाता है अंग्रेजी में गुलदाउदी को। सोलेनम मेलनजेना किसका वनस्पति का नाम है? तो सोलेनम मेलनजेना जो है बैगन का साइंटिफिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संकर कपास के लिए पौधे प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? तो एक 10,000 पौधे होना चाहिए प्रति हेक्टेयर संकर कपास के लिए। पंसुक एक प्रकार का दैहिक विकार है जो कौन से फसल में होता है? तो धान की फसल में होता है, पंसुक नामक जो है एक शारीरिक विकार है। मृदा में टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर गाई स्मिथ को कहा जाता है, गाई डी स्मिथ को, मृदा में टैक्सोनॉमी के जनक। अगला क्वेश्चन है आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1978 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कोमेट जो है समाज शास्त्र के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दी कौन से कुल से संबंधित है? तो हल्दी जिजिम्बरेसिस कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे अधिक अनुवांशिक शुद्धता वाला बीज होता है? तो प्रजनक बीज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह बीज जिसके प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपाय के द्वारा किसी पौधे या जंतु के जीन का भाग जोड़ दिया जाता है इन्हें कहा जाता है पराजीनी बीज इसको कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रमाणित बीज में खरपतवार की मात्रा कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो खरपतवार की मात्रा 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए प्रमाणित बीज में। अगला क्वेश्चन है तिलहन में भंडारण के समय औसत नमी कितनी होनी चाहिए? तो औसत नमी 8 से कम होना चाहिए। जो तिलहन का भंडारण अगर करना चाहते हैं तो तिलहन में देख लीजिएगा 8% से कम नमी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करा दिया आप लोगों को। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जाइए वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी से संबंधित जो भी नया अपडेट होगा, लेक्चर होगा, वहां पे अपडेट हम देते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।